नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंको जो टर्म है वो ब्रोंकाई और लंग से रिलेटेड है, और स्कोपी मीन्स देखना उसको स्कोप के थ्रू। तो ब्रोंकोस्कोपी में क्या क्या होता है कि जो लंग की स्ट्रक्चर्स हैं ट्रेकिया से लेके ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग के अंदर तक स्कोप से देखा जाता है, इसको चेक किया जाता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्रोंकोस्कोपी? तो ब्रोंकोस्कोपी इज़ ए प्रोसीजर टू लुक डायरेक्टली एट द एयरवेज इन द लंग्स यूजिंग ए थिन लाइटेड ट्यूब, जिसको कि हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोप। तो एक प्रोसीजर है जिसमें कि एयरवे को डायरेक्टली देखा जाता है एक ब्रोंकोस्कोप के थ्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रोंकोस्कोपी? दो तरह की होती हैं मेनली ब्रोंकोस्कोपी, ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रिजिड ब्रोंकोस्कोपी और सेकेंड है फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। रिजिड में क्या होता है कि वो रिजिड रहती है और इधर उधर उसको मोड़ नहीं सकते। फ्लेक्सिबल में क्या है, वो आसानी से मुड़ जाती है और अंदर लंग्स तक ट्यूब जो होती हैं उनकी, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक वो पहुंच जाती है। तो ये दो टाइप हो गए ब्रोंकोस्कोपी की, रिजिड और फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ब्रोंकोस्कोपी इज़ मोर कॉमन? अब ये जो दो टाइप हैं ब्रोंकोस्कोपी के, रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो इसमें से जो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी है वो मोर कॉमन होती है और मोस्टली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ ए ब्रोंकोस्कोपी? दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो पहली है डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी और सेकंड पे है थेरेप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी। तो डायग्नोस्टिक जो ब्रोंकोस्कोपी है उसमें तो क्या किया जाता है, डायग्नोसिस पर्पज के लिए की जाती है, जांच के लिए। जैसे कि कोई अंदर ट्यूमर है या कोई गांठ है तो उसकी बायोप्सी ले लेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर वहाँ से जो सैंपल लेंगे जो फ्लूड है लंग का उसको चेक करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और थेरेप्यूटिक होती है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में जैसे कि अंदर लंग्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या फिर कोई कलेक्शन है तो उसको बाहर निकाल के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से दो तरह की होती है ये, डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी और थेरेप्यूटिक ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोस्कोपी? तो इंडिकेशन मींस किन केसेस में ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं। तो फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मलिटीज़। चेस्ट एक्सरे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है पेशेंट के, इनफिल्ट्रेट आ रहे हैं वहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटी है। सेकंड है हीमोप्टोसिस, उसके थूक में वो ब्लड आ रहा है। थर्ड है अनएक्सप्लेन्ड कफ, काफ़ी टाइम से उसको कफ है और वो उसका कोई कारण मिल नहीं रहा है। फोर्थ पे है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की कंडीशन है और वो सही नहीं हो रही है। फिफ्थ पे है असेस पेटेंसी ऑफ एयरवे, एयरवे ओपन है या नहीं है, उनकी पेटेंसी मेंटेन है नहीं या नहीं है ये असेस करने के लिए। और कोई मास या लीजन्स या ट्यूमर वहाँ पर तो नहीं है ये चेक करने के लिए। कोई फॉरेन बॉडी है तो ये चेक करने के लिए, उसको निकालने के लिए। तो ये हो गई इंडिकेशन, चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मलिटीज, हीमोप्टेसिस, अनएक्सप्लेन्ड कफ, न्यूमोनिया, असेस पेटेंसी ऑफ एयरवे और एनी मास और लीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेक्सिबल फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप इज यूज्ड मोस्ट ऑफन फॉर? जो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं मेनली? हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सेवन क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ यूजिंग लेजर्स ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी इज़ टू? लेजर्स का यदि यूज़ कर रहे हैं हम ब्रोंकोस्कोप के थ्रू तो वो क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा टू ऑब्लिटरेट ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्यूमर, ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्यूमर है उसको वहाँ से हटाने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, यूज़ ऑफ एक्सेसिव सक्सनिंग ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी इज़ डिस्करेज्ड बिकॉज ब्रोंकोस्कोपी के दौरान उसमें जो सक्शन का भी पार्ट होता है एक, वहाँ सक्सनिंग जो है वो एक्सेसिव नहीं की जाती है, तो वो क्यों नहीं की जाती है? एक्सेसिव सक्सनिंग से क्या होता है कि इट मे कॉज एटेलेक्टेसिस एंड हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और एटेलेक्टेसिस हो सकता है इससे। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ सेडिशन ड्यूरिंग ए ब्रोंकाई? ब्रोंकाई के दौरान सेडिशन दिया जाता है, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान, ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर से पहले, तो वो सेडेशन इसलिए दिया जाता है टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, पेशेंट प्रोसीजर के दौरान कंफर्टेबल रहे, एंजाइटी नहीं हो उसको इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉल? BAL ये शॉर्ट फॉर्म है और ये ब्रोंकोस्कोपी के दौरान किए जाने वाला प्रोसीजर है ये, तो इसका फुल फॉर्म है ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज। उसमें जो ब्रोंकोस्कोप के थ्रू जो और पोर्ट है उससे सेलाइन उसमें एंटर कराया जाता है और उसको वॉश किया जाता है अंदर, और उस फ्लूड को फिर कलेक्ट करके डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होता है वॉल प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ TBNA? तो ये भी ब्रोंकोस्कोपी के दौरान एक प्रोसीजर है, इसका नाम है ट्रांस ब्रोकियल निडल एस्पायरेशन। जो ट्यूमर है वहाँ पे या मांस है तो उससे निडल एस्पायरेशन के थ्रू निकाला जाता है, ये भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए है, ट्रांस ब्रोंकियल निडल एस्पायरेशन। 12th क्वेश्चन है, व्हाट आर प्री मेडिकेशन फॉर ब्रोंकोस्कोपी? ब्रोंकोस्कोपी से पहले प्री मेडिकेट किया जाता है पेशेंट को, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है सेडेटिव्स, सेडेटिव्स दिए जाते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, ये दिए जाते हैं ड्राई पेशेंट्स एयरवे, जिससे कि पेशेंट का एयरवे ड्राई रहे। नेक्स्ट है नारकोटिक्स एनाल्जेसिक्स, ये दिए जाते हैं टू रिड्यूस पेन। तो सेडेटिव, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट और नारकोटिक एनाल्जेसिक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकोस्कोपी? ब्रोंकोस्कोपी के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पेशेंट को? तो ये है हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी, हीमोडायनेमिक चेंजेस हो सकते हैं ब्लीडिंग की वजह से, ब्रोंकोस्पाज हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, सिकुड़ सकता है ब्रोंकाई वाला एरिया, तो ये कॉम्प्लिकेशन है हाइपोक्सीमिया, हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड ब्रोंकोस्पाज। 14th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर डन इन ब्रोंकोस्कोपी? कौन कौन से डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किए जाते हैं ब्रोंकोस्कोपी में? तो ये है बाल, जिनका कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज। सेकेंड है ब्रोंकियल ब्रशिंग, ये भी ब्रश भी डायग्नोस्टिक के लिए किया जाता है। एंड थर्ड वन है बायोप्सी, बायोप्सी ली जाती है इसमें। तो आज हमारा टॉपिक था ब्रोंकोस्कोपी, जिसके के द्वारा एक ब्रोंकोस्कोप होता है और उसमें लंग्स की जो स्ट्रक्चर्स है उनको देखा जाता है। दो तरह की इंपॉर्टेंट होती हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो है वो मोस्टली की जाती है, यूज़ की जाती है फ्लेक्सिबल। दो तरह की होती है ये, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी जो होती है वो जाँच के लिए की जाती है, और थेरापेटिक में उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ब्रोंकोस्कोपी जो है वो ज़्यादातर जो हीमोप्टेसिस के केसेस हैं, ब्लड में स्पुटम में ब्लड आ रहा है, या फिर कोई कफ है जो कि इसका कि कारण नहीं मिल रहा है, या फिर एक्सरे में कुछ गड़बड़ है तो करते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर वो है बाल और बायोप्सी। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।